नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दी डर्मा को 10% नियासिनामाइड फेस सीरम का, और आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि इसका काम क्या है, रिजल्ट क्या है, हाउ टू यूज परफेक्टली, और आपको इसको यूज करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो को आपको पूरा देखना है। नियासिनामाइड क्या है इसकी बात करें तो विटामिन B3 का एक्टिव फॉर्म है, वो नियासिनामाइड कहा जाता है। एक्ने मार्क्स के लिए यह काम करता है और ऑयल कंट्रोल के लिए नियासिनामाइड बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो स्किन के इंग्रेडिएंट में से एक नियासिनामाइड रहता है, और नियासिनामाइड को मैं पहला नंबर देता हूं क्योंकि एक माइल्ड इंग्रेडिएंट है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सीरम जो 10% नियासिनामाइड को मिलाकर बनी है इसकी बात कर लेते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में आती है, ग्लास बॉटल है, 30 ml की सीरम है, MRP इसकी 599 rupees देखने को मिलती है। ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका और इसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, सबके ऊपर यह अवेलेबल है। सबकी लिंक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हेल्दी 2023 कोड को अगर आप डर्माको की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं तो फ्लैट 20% आपको वहां पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू यूज की, मतलब कि नियासिनामाइड सीरम को आपको इस्तेमाल कैसे करना है इसकी बात करें तो सबसे पहले फेस वॉश की मदद से चेहरे को क्लीन करना है, वॉश करना है। फिर जब चेहरा सूख जाए तब 3 to 5 drops इस सीरम की लेनी है, चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और इसको 4 to 5 घंटे के लिए छोड़ देना है या फिर आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ते हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको दिन में एक बार यूज करने की सलाह दूंगा। कंपनी सलाह दे रही है कि आप 2 times इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम, मतलब डे और नाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम ही इस्तेमाल करें तो आपके लिए 1 time ही काफी है। लेकिन अगर आप दिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलना है। अब मैं बात करूंगा इंग्रेडिएंट की, मतलब इसके की इंग्रेडिएंट की बात करें, मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस सीरम में शामिल है 10% नियासिनामाइड। नियासिनामाइड का काम रहता है सबसे मेन तो ऑयल कंट्रोल करना, एक्ने को कंट्रोल करना, साथ में एक्ने मार्क्स है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जिंक है वो स्किन का ओवरऑल टेक्सचर को यह स्मूथ और सॉफ्ट बनाने का काम करता है, टेक्सचर को सुधारने का काम जिंक करता है। फॉर मैन या वुमेन है इसकी बात करें तो मैन वुमेन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए है। टेक्सचर ऑफ द सीरम की बात करें तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं टेक्सचर इस सीरम का कैसा है। एब्सॉर्प्शन की बात करूं, मतलब ये लगाने के बाद में एब्सॉर्ब कितना जल्दी होती है इसकी बात करें तो एब्सॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है, यह मुझे अच्छी बात लगी, और यह नॉन स्टिकी है। यूजेज की बात कर लेते हैं, मतलब कि सीरम के यूजेज क्या है, किन किन चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बात करें तो पहला यहाँ पर यूज इसका देखने को मिलता है एक्ने मार्क्स से संबंधित। काफी लोगों के जो एक्ने पिंपल्स है वो मिट जाते हैं लेकिन उनके मार्क्स रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, तो एक्ने मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया ये सीरम रहती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा रहता है एक्ने और पिंपल से संबंधित, यह आपके ऑयल कंट्रोल करने का काम करेगी, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगी, जिससे एक्ने और पिंपल्स की समस्या अपने आप है वो कम होगी। तीसरा फायदा, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया, आपके अगर ऑयली स्किन की समस्या है, ज्यादा ऑयल आपका जो फेशियल स्किन है वो प्रोड्यूस करती है, ऑयली स्किन ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा होता है तो यह अनअट्रैक्टिव लगता है, साथ में यह कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो चेहरे का जो एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल करने का काम यह सीरम करेगी। ओवरऑल अगर आप एक रेगुलर सीरम की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है तो पेस्ट टेस्ट आपको जरूर लेना है, हाथ की स्किन के ऊपर या फिर कान के पीछे की स्किन के ऊपर आप इस सीरम को लगाकर देखें, पेस्ट टेस्ट लें, आपको इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होता तो इसको कंटिन्यू करें। बाकी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड सीरम है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सनस्क्रीन की, आपको सनस्क्रीन की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तब जो सूरज की यूवी रेज होती है वो हमारे डायरेक्ट स्किन के ऊपर पड़ती है और यह स्किन को डैमेज करती है, तो सन प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, और एक अच्छी सी सनस्क्रीन की तलाश में है। दी डर्मा को 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं MRP 649 rupees देखने को मिलती है, PA++++ है और SPF 50 है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पर आप एक इन प्रोडक्ट को खरीदने के साथ में भलाई का काम कर रहे हैं कि डर्मा को आपके हर ऑर्डर को एक चाइल्ड एजुकेशन से लिंक करता है भूमि प्रोग्राम के तहत और एजुकेशन देने का काम करता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर देंगे। ऐसे ही बढ़िया वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।